और हमारे यहाँ सब चीज़ें महंगा है क्योंकि इंडिया के एक कोने में हमारा स्टेट है त्रिपुरा। हर चीज़ फेंकते नहीं है और ऊपर से है हम बंगाली लोग, हम खाते पीते हैं ज़्यादा और हमारे आइटम भी ज़्यादा रहते हैं। हेलो माय लवली व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एवरी डे। आई होप आप सब अच्छे हैं और मैं भी ठीक हूँ। सुबह का टाइम है और आज संडे है। हस्बैंड बेटे को लेकर ट्यूशन गए हैं तो अभी मैं किचन में हूँ। तो मैं अभी घर का काम कर रही हूँ कुछ, और कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी कर रही हूँ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करती हूँ। हस्बैंड बेटे को ट्यूशन टीचर के यहाँ देकर फिश लेकर आ गए हैं। और फ्रेश भी है तो चलिए इसको अच्छे तरह से क्लीन कर लेती हूँ। A few moments later. फ्रेश, देखिए ये फिश को अच्छी तरह से क्लीन करके ऐसे रखी हूँ पानी निकल जाने के लिए। फिर हल्दी नमक से मैरिनेट करूँगी। पानी रहने से अच्छी तरह से फ्राई नहीं होते तो इसीलिए ऐसे रखती हूँ मैं। पत्ता गोभी के ऊपर के जो पत्ते होते हैं इसको अच्छी तरह से धोकर रख दिया हूँ। फेंकने वाली चीज़ों से मैं अच्छे एक टेस्टी भरता बनाऊंगी। तो चलिए कैसे बनाते हो दिखाती हूँ। और हमारे यहाँ सब चीज़ ही महंगा है क्योंकि इंडिया के एक कोने में है हमारा स्टेट है त्रिपुरा। तो यहाँ के लोग हर चीज़ फेंकते नहीं है, बहुत फेंकने वाली चीज़ों से भी अच्छा अच्छा डिश बना लेते हैं। तो इसे मैं बॉयल के लिए दूंगी एक सीटी आने तक। और ऊपर से हम हैं बंगाली लोग तो बंगाली लोग तो खाने खाते पीते ज़्यादा ही है तो इसीलिए हम कोई चीज़ फेंकते ही नहीं है। स्पेशली बंगाली लोग बहुत ही आइटम बना सकते हैं और बंगाली लोग खाने और खिलाने में बहुत आगे हैं। और देखिए ये अच्छे तरह से थोड़ा सा बॉयल भी हो गया है तो इसको मैं अभी ऑफ कर दूँगी। तो हो गया है तो देखिए कितना अच्छी तरह से और कितना अच्छा ग्रीन कलर है। एक्चुअली हमारा स्टेट है त्रिपुरा स्टेट और ये हिली स्टेट है, पूरा पहाड़ी एरिया है तो पहाड़ी एरिया का खान पान थोड़ा अलग ही होता है। पहाड़ी एरिया के लोग कुछ फेंकते नहीं हैं। कुछ दिन बाद तो ये भी फेंक दूँगी ठीक है, लेकिन अभी तो नया नया आए हैं तो इसका फेंकना अच्छा नहीं लगता तो इसीलिए ऐसे बना लेती हूँ। तो इसे ठंडा हो जाने के बाद मैं पेस्ट बना लूँगी ग्राइंडर में। अब देखिए यहाँ फिश से भी अच्छी तरह से पानी निकल गए हैं। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हल्दी, ज़्यादा करके हल्दी ऐड कर रही हूँ और हल्दी के साथ जीरा पाउडर और धनिया पाउडर भी है थोड़ा सा मिक्स किया हुआ एक साथ। और ऐड कर रही हूँ नमक। बाज़ार से फिश कट करने आने के बाद देखिए मैं फिश से ये भी उठाना पड़ा, कैसे कट करके देते हैं वो लोग देखिए कितना सारा निकाला। मैं फिश अच्छी तरह से धोना चाहिए नहीं तो अच्छा नहीं लगते और गंदे से एक स्मेल आते हैं। सबसे अच्छी तरीका है नमक पानी में कुछ देर के लिए भिगो के रखना तो फिश अच्छी तरह से फ्रेश हो जाते हैं, तो मैं ज़्यादातर ऐसा ही करती हूँ। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। कढ़ाई गरम हो गया है, अभी ऐड कर रहे हैं ऑयल। मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ और ऐड कर रही हूँ हल्दी।
ज़्यादा करके ऐड कर रही हूँ क्योंकि फिश ज़्यादा है। देने के बाद और भी रह गए बहुत सारे, ये ठंडा भी हो गया। तो इसके साथ मिर्च, लहसुन और नमक देकर पेस्ट बना लूँगी इसका, एक दरदरा सा पेस्ट बनाऊँगी इसका। एक साइड फ्राई हो जाने के बाद मैं इसको दूसरी दूसरी साइड से भी फ्राई कर रही हूँ। इसलिए फिश भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। निकल के रखती हूँ, फिर से फाइन हो जाने के बाद मैं अलग से निकल के रखती हूँ। देखिए ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पेस्ट के लिए टमाटो, प्याज, लहसुन, मिर्च और दे रही हूँ, और यहाँ भी सौंफ और धनिया ले लिया। फ्रेंड्स, यहाँ मैं मसाला भी ऐड कर दिया हूँ इसके लिए। मसाला थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ मिर्च पाउडर, अभी ऐड कर रही हूँ हल्दी। ग्रेवी में बॉयल आ जाने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ फिश। यहाँ फिश में बॉयल आ जाने के बाद ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ती। और काफ़ी गाढ़ी हो गई है तो अभी बन गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका एक दरदरा सा पेस्ट बना लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, इसको मैं दरदरा सा पेस्ट बना लिया हूँ, अभी ऐड कर रही हूँ ऑयल। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही लगते हैं, ऑयल में पाँचफोरन और मिर्च भी दे दिया हूँ। फिश की कढ़ाई में ही तेल और पाँचफोरन और मिर्च ऐड किया हूँ, इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही लगते हैं। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ वो पेस्ट। हफ्ते से थोड़ा सा पानी सूख जाने के बाद मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ नमक, क्योंकि मुझे ठीक से पता नहीं चलता पत्ता कितना है, नमक ज़्यादा डाल देती हूँ कभी कभी, तो इसीलिए अभी नमक ऐड किया। और ऐड कर रही हूँ हल्दी। बस और कुछ मसाला नहीं जाएगा इसमें।
और देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। ये धीमी आंच में बनाना पड़ता है, नहीं तो कलर अच्छा नहीं रहते, तो इसलिए इसको धीमी आंच में बहुत देर तक बनाई हूँ। हाँ, दाल भी बन गए हैं, तो अभी ऐड कर रही हूँ धनिया पत्ती। A few moments later. तो गैस 12 बज गए हैं, लेकिन अभी तक मैं किचन में हूँ, खाना बनाना और भी कुछ काम करना वही कर रही हूँ, कब से ही बहुत देर से वही कर रही हूँ। और मिडिल पेयर हस्बैंड और बेटा आया, तो वो लोग भी ब्रेकफास्ट करके गए थे, तो सब बर्तन धोना और घर साफ करने में बहुत देर हो गया है। अभी तक भी काम बाकी है, लेकिन अभी तक नहाया भी नहीं, कब पूजा देना होगा नहीं पता। और देखा हालत क्या है, ये पूरा साफ करूंगी, ये पूरा साफ करके फिर जाऊंगी। ये बहुत सारा बर्तन धो लिया हूँ, और भी कुछ बाकी रह गए हैं और हालत बुरा है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ बाद में, अभी तो काम करना बहुत सारे बाकी है। तो फ्रेंड्स हो गया है लंच टाइम, तो अभी लंच करूंगी। आज के लंच के मेनू में है, तो फ्रेंड्स आज के लंच के मेनू में है ये, और राइस के साथ ढेर सारा सलाद। सलाद में है कुकुम्बर, लेमन और है टोमेटो, और है भरता, और है फिश करी, और है दाल। तो चलिए फ्रेंड्स महाराज जी को दे आती हूँ, महाराज जी टीवी देखते हुए खाएंगे। चलिए एक साथ ही ले लिया हूँ सब कुछ। हाँ जी महाराज जी, अरे महाराज जी बैठे हैं। दीजिए दीजिए दीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू। लाइट दी के जाइए, देखिए महाराज जी बैठे हैं, टीवी देखते हुए धीरे धीरे करके खाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं बना रही हूँ फिश, डिनर का प्रिपरेशन चल रहे हैं, और आज रोटी नहीं, आज राइस ही है। फिश के साथ, फ्राई के साथ मैं ऐड कर रही हूँ प्याज और मिर्च। तो फ्रेंड्स देखिए एकदम लाल लाल करके फिश फ्राई भी बन गए हैं यहाँ। काल के लिए आज रात को ही मैं यहाँ दाल भिगो के रखी हूँ, यहाँ ग्रीन मूंग चने का दाल, और इस दाल का नाम नहीं पता, ये कौन सी दाल है नहीं पता, और ये यहाँ भिगो के रखी हूँ ग्रीन मटर। फ्रेंड्स हो गया डिनर कंप्लीट, तो आज का ब्लॉग यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।